और जहां तक बात की जाए सिंहभूम शेर की टीम का शानदार 2-0 की बढ़त बनाकर अगले चरण में प्रवेश किए हैं। आप घमासान मुकाबला सिंहभूम शेर वर्सेस मॉन्स्टर 11 के बीच में और इस तरह से मैच शुरू होता हुआ सिंहभूम शेर वर्सेस मॉन्स्टर 11 के बीच में दस नंबर के खिलाड़ी सुभाष अपने साथी खिलाड़ी 4 नंबर के लिए और इस बीच स्कोरर घोनो के लिए और घोनो शानदार से पास देना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी को लेकिन गलत पास कड़िया जी आप दलिया को खोज रहे हो तो कड़िया जी अभी आपको खोज रहे हैं भनगांव के कड़िया जी आपको दलिया जी खोज रहे हैं और इस बीच पूरा 5 नंबर के कब्जे में गेंद और ये आउट लाइन से बाहर और सादा सा आउट थ्रो ये गलत शॉट दिशाहीन शॉट सिंहभूम शेर के द्वारा सिंहभूम शेर के मुख्य डिफेंडर की भूमिका निभाते हुए और इस बीच विकास बालू जी के कब्जे में गेंद 22 नंबर साथी खिलाड़ी दोनों बल्ले बॉल रिलीज किया और एक अच्छा चांस इस बीच और ये फाउल करार दिया जाता हुआ मुख्य रेफरी मदन जी के द्वारा और इसके बाद जो मैच होगी इस मैच के बाद जो मैच होगी मकर 11 वर्सेस एफसी जामडी आप अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें हम पहले से आपको बोल दे रहे हैं मैच समाप्त होने से पहले ही आप रेफरी मंच के समीप अपने खिलाड़ियों को लाकर लाइनअप करा लें मकर 11 वर्सेस एफसी जामडी और बहुत ही शानदार शॉट विकास बालबूजी के द्वारा लेकिन दिशाहीन और इस बीच मॉन्स्टर 11 के खिलाड़ी के द्वारा यार लग से बाहर और इस बीच मॉन्स्टर 11 के खिलाड़ी तेज तरह से बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास अच्छा शानदार शॉट लाजवाब शॉट बहुत ही शानदार शॉट देखने को मिलता हुआ इस बीच मॉन्स्टर 11 के खिलाड़ी के द्वारा जो काफी लंबे चौड़े खिलाड़ी थोड़ी सी दिशाहीन हो गई अन्यथा कुछ भी हो सकता था इस शॉट को लेकर काफी अच्छा शॉट अजी क्या कहना चाहेंगे शॉट के बारे में काफी शानदार शॉट देखने को मिला अब पुनः एक बार मोनेश्वर के कब्जे में गेंद लेकिन टिकुल उसने काफी चतुर डिफेंडर सिंहभूम शेर के पूरे 5 नंबर के खिलाड़ी लंबा सा शॉट जयपाल के लिए जयपाल द्वारा बॉल को छकाने का प्रयास अच्छा शॉट यहां पर विमल के लिए और ये डंप से लेकर गोल वापस आती हुई एक सुनहरा मौका मिला था यहाँ पर विमल को सिंहभूम शेर के खिलाड़ी विमल के लिए लेकिन उस गोल्डन चांस को गवा चुके हैं सिंहभूम शेर के विमल बहुत अच्छा सा यहाँ पर मौका मिलता हुआ सिंहभूम शेर को लेकिन वो मौका भी जाया होती हुई हालांकि कुछ देर पहले दबाव में अलग आ गया था सिंहभूम शेर को मॉन्स्टर 11 ने एक करारा सा शॉट डाल के ऊपर से गई थी
अगर वो लचपे होती तो साया तो आई एक जोरू की बढ़त बना लेती मोनो ठेले पर, लेकिन सिमबुम शेर भी कोई कम नहीं। यह दहाड़ते हुए मोनो ठेले पर के खिलाफ में और जदोजहद करते हुए यहाँ पर सेंटर सर्किल के ठीक आसपास उछाल लेते हुई गेंद और यहाँ रेफरी महोदय का टोल का सर और पुष्पर कर दिए थे यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए और अच्छा सा प्लेस यहाँ पर 22 नंबर के लिए और अपने लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए क्या वहां से क्रॉस करेंगे। हाँ क्रॉस करते हुए यहाँ पर लेकिन क्रॉस में कोई फायदा नहीं और गेंद गोल लाइन से बाहर जाती हुई। मिस्टर रेफरी मोदे का यहाँ पर कॉर्नर का इशारा आता हुआ, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पर सिमबुम शेर के खिलाड़ी। बिल्कुल चलता यार यहाँ पर कॉर्नर किक लेने के लिए सुंदर सा किक कैडर के जरिए गोल कर पाएंगे नहीं, बारंबार डांग में लगती हुई बारंबार पोल में लगती हुई है, कभी डांग में कभी पोल में, शायद किस्मत रूठी हुई है सिमबुम शेर के साथ, किस्मत नहीं है अन्यथा 2-0 किस्मत सबको मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंकाती है। अब चांस है बोनस स्टार 11 को भी चांस है, उनको भी मौका मिलेगा लेकिन काफी शानदार चांस मिला था यहाँ पर सिमबुम शेर की टीम को, इस चांस को गवा बैठे। अब देखते हैं मेहनत किसकी नजर आती है, क्या कहना चाहेंगे भी सुना के। सही फरमाया जनाब आपने, किस्मत और मेहनत को लेकर के अगर मेहनत करेंगे यहाँ तो जरूर सफलता और जीतते होगी सिमबुम शेर के पलड़े में। देखते हैं यहाँ पर एक फ्री किक का मौका पोल करार देते हुए यहाँ पर मिस्टर मदन जी जो कि मुख्य रेफरी का भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर अच्छा सा चिकंदाज में छोड़ता लेकिन कोई फायदा नहीं यार, पूरा यहाँ पर अटैक टू अटैक बैक टू बैक या काउंटर अटैक की कोशिश लेकिन गोल गोल में परिणित ना होते हुए 5 नंबर के खिलाड़ी काफी तेजी के साथ यहाँ पर बॉल को ले जाने के फिराक में और उसके भी कुछ टीम के खिलाड़ी भी यहाँ गिरते हुए देखते हैं यहाँ पर ट्राइंग करने के लिए सिमबुम शेर के खिलाड़ी बढ़िया शत्रु और यहाँ पर गेंद को क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। अभी भी सिमबुम शेर के कब्जे में गेंद है, अच्छा सा यहाँ पर पास लेफ्ट डिफेंडर के लिए सिमबुम शेर के, वो लेफ्ट फुट से इसको बहुत ही करारा शॉट मार रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं यहाँ पर, कोई मुकम्मल नहीं नतीजा अभी 0-0। अब पूरा यहाँ पर सिमबुम शेर के कदमों में गेंद है और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है और यहाँ पर गोलकीपर खुद आकर के अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए अपने मुख्य डिफेंडर को देते हुए और इस तरह से और इस तरह से मध्यांतर के बाद में खेल शुरू होता हुआ यहाँ पर कब्जे में गेंद सिमबुम शेर के और यहाँ पर अच्छा सा क्रॉस हेडर के जरिए नेट में उछालने की कोशिश लेकिन नेट में नहीं उछाल पाए और यहाँ पर मोनस एलेवन के कब्जे में राइट डिफेंडर के द्वारा गेंद को आगे ले जाया जाता हुआ यहाँ पर अपने मिडफील्डर के लिए यहाँ पर पुनः 10 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास करते हुए देखते हैं यहाँ पर पास तो देना चाह रहे थे लेकिन गलत पास वहाँ पर सिमबुम शेर के पल्ले में गेंद है। बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक गोल की बढ़ोतरी करने के लिए देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। बढ़िया सा यहाँ स्किल का प्रदर्शन कलात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए सिमबुम शेर के द्वारा अब भी मुंह बनी हुई है क्या गोल कर पाते हैं। टी बॉक्स के आसपास गेंद को लहराते हुए और बहुत दिशाएं शॉट लक्ष्य को नहीं भेज पाए, लक्ष्य से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद। अब गोल की का मौका यहाँ मिलता हुआ मोनास्टर 11 को देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और यहाँ थोड़ी सी प्लेस कर दी है अपने साथी खिलाड़ी के लिए और गलती हो सकती है, इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते हैं नॉकआउट मुकाबले में, यहाँ बहुत ही बड़ी गलती होने
जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह से उस कतरे को टालते हुए मोनेस्टर 11 के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर पुनः कॉर्नर किक का मौका और यहाँ धीरे से प्लेस पर कर दिया था प्रेसादी खिलाड़ी के लिए। और अभी भी मोनेस्टर 11 के पास गेंद है सेंटर सर्किल के आसपास और अपने लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए इसको पास कर दिए थे, लेकिन नियंत्रण में गेंद आई नहीं और गोल लाइन से बाहर जाती हुई। हेलो, हाँ तो आमर कहाँ जेते माँ भावनी माने फुटबॉल खेल देखवार इच्छुक छो तो माने ठीक जल्दी जल्दी आसबो, कहीं तुम्हें नाराज तो नहीं जाए ना इस साल, ठीक है जल्दी आसो खेल सर के आसुची, जेते भी झी भावनी माने खेल देखवार इच्छुक छो ठीक है जल्दी जल्दी आसो और खेल देखो आर किसी समय पर आमर खेल खत्म ही गया तार बाद तुम देखो कह के ना कि खेल देखो आओ ना तुम्हें कि सनराइज क्लब आम तो नाराज अच कि आमे जो सनराइज क्लब कचरा वाला तुम्हार पाई एते बढ़िया खेल आयोजन कर तुम्हें नाराज अच हेले तो भी कह लेकिन तेरे भी खेल दिख के आसो आ जल्दी आसो तार बाद रे आज हमर फाइनल हबार अछि इलाटक तुम्हार अधा भी नहीं अछि गेला साल लागो साल जते भी साल टूर्नामेंट है बहुत संख्या रे जते भी भोनी मां मौसी माने छो सभी आसी करी हमके प्रोत्साहित करो एतरो काई तुमर अधा भी दर्शन नहीं ही सी पई मोय सबके रिक्वेस्ट कर जोई जे जल्दी ही परोय तुमे भात उठ खाई करी अगर जे नाही भी खाई करी आछो तो तुमर पई भात उठ सबकर व्यवस्था आछि लेकिन जल्दी आसो और खेल देखो आ किसी समय पर हमर फाइनल खेल हमर अछि सी पई जते आसपास कोचरा गहार आसपास जते भी गहा वाला अछन समस्ते जी भणी माने समस्ते आसो और खेल देखो फुटबॉल खेल बहुत शानदार खेल होची आ बहुत दूर दूर रु खिलाड़ी माने खेल के आछो तुम्हे जदि नै आबो ना आमर तो मन दुखा खाली आमर साथे शंकर भी मन दुखा ते पई कहारे मन दुख करो नै आ जल्दी जल्दी खेल देख के आसो धन्यवाद। और एक विशेष सूचना मोनेस्टर 11 की टीम के लिए कि मोनेस्टर 11 के जो भी खिलाड़ी अगर गोल करने सक्षम होते हैं तो अविनाश बेहरा उसे पड़ा की तरफ से आपको 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अविनाश बेहरा उसे पड़ा की ओर से आपको 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मोनेस्टर 11 टीम के खिलाड़ी अगर आप गोल करने सक्षम होते हैं तो आपको निश्चित रूप से अविनाश बेहरा उसे कोड़ा के 101 रुपए का इनाम आपको देंगे। और सीधे ले चलते हैं आपको मैदान के बीचों बीच जहां पर घमासान में चलता हुआ सिंहभूम शेर वर्सेस मोनेस्टर 11 के बीच में गोल रहित 0-0 की बराबर पर खेलती हुई नजर आ रही है दोनों टीम। इस बीच मध्यंतर के बाद का ये मैच एक शानदार सा कॉर्नर किक मिलता हुआ सिंहभूम शेर की टीम के लिए एक सुनहरा मौका गोल्डन चांस। अच्छा शॉट यहां पर लेकिन ये गलत, आप जो भी आप दर्शक हैं आप समिति के आदमी हैं आप जो भी हैं आपको अधिकार नहीं है आपको झंडा पकड़ने का, ये चीज आप सीख ले, ये आपका अधिकार नहीं है चाहे आप कमिटी के हो चाहे आप बाहर के हो, झंडा पकड़ने का अधिकार या किसी को नहीं है, इनफैक्ट रेफरी और प्लेन के लिए भी नहीं है झंडा ना पकड़े। मेन रोड पर दर्शक ना रहे तो अच्छा है, जो हम लोग बैरिकेड बनाए हुए हैं जो बांस का घेरा है आप लोग अंदर आ जाइए
और मैदान तरफ आ जाइए, मतलब रोड पर ना रहें। जो भी दर्शक मैच देख रहे हैं वे रोड पर ना रहें, ये बहुत ही बिजी रोड है, बहुत ही बिजी रोड है, आए दिन बहुत ही दुर्घटनाएं होती रहती है। इसीलिए आप सभी दर्शक से अनुरोध है कि आप रोड क्लियर कर दें।